हेलो दोस्तों, अरमान इलेक्ट्रॉनिक सिटी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम जिस कमेंट्स पे बात करने वाले हैं वो हमारे एक दोस्त ने कमेंट्स करा था, हमें बताया था, उन्होंने कहा था कि इस तरह के बोर्ड की वायरिंग करें। तो दोस्तों आज हम जिस बोर्ड की वायरिंग करना बताएंगे आपको, कनेक्शन करना बताएंगे, वो ये है। दोस्तों देखिए, इसमें चार स्विच हैं। दोस्तों देखिए, चार स्विच हैं ये, ठीक है, और दो सॉकेट हैं, दो 5-पिन सॉकेट और एक होल्डर है इस वाले स्विच का, इस सॉकेट के और इस स्विच से एक होल्डर कनेक्शन करेंगे। और जो हमारा ये स्विच है हम इससे एक एक्स्ट्रा कनेक्शन करना बताएंगे आपको, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक और शेयर की बौछार लगा दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरह से आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी वीडियो को जिस तरह से आप लाइक और शेयर कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप हमें सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए इसी तरह से अच्छी जानकारी वाली वीडियो लाते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे। तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें। किसी भी तरह की अगर आप वीडियो चाहते हैं हमसे तो कमेंट्स करिए, हम आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। और दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरह से जो मेरा सेकंड चैनल है टॉप है लल्लन, एक अनबॉक्सिंग चैनल है दोस्तों, वो उस पर मैं अच्छे अच्छे प्रोडक्ट की जानकारी देता हूँ, सब बताता हूँ उसके बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में, प्राइस के बारे में। थे उस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो प्लीज़ उसे भी सपोर्ट करिए, उसकी वीडियो को लाइक और शेयर करिए और उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, इसमें मैंने फेस में लगाने के लिए रेड कलर का वायर ले लिया है। अब हम देंगे दोस्तों बोर्ड में सबसे पहले फेस, ठीक है दोस्तों। ये फेस हम दे रहे हैं, फेस हम दे देंगे दोस्तों तीनों स्विचों में। ये जो तीन स्विच हैं दोस्तों ये हमारे, तो इन तीन स्विच में डायरेक्ट फेस दे देंगे। दोस्तों हमेशा इस बात का ध्यान रखें आप जब भी वायरिंग करें 6 एम्पीयर के स्विच सॉकेट में। मैं हमेशा बताता हूँ आपको कि जब भी आप वायरिंग करेंगे 6 एम्पीयर के स्विच और सॉकेट में आप 1 से 1.5 mm का वायर लगाएंगे। और अगर आप 16 एम्पीयर 20 एम्पीयर के स्विच सॉकेट में वायरिंग करते हैं, बोर्ड बनाते हैं, तो उसमें हम 2.5 mm का वायर लगाएंगे जिससे आपके स्विच सॉकेट भी नहीं जलेंगे और दोस्तों वायर भी जल्दी नहीं जलेगा, बोर्ड आपका कामयाब रहेगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा। देखिए तीनों स्विचों में हमने फेस दे दिया है। अब दोस्तों हमें करना ये है, इस वाले स्विच से सॉकेट कनेक्शन करना है, तो स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से हम फेस को काट देंगे, क्योंकि हमने तीनों स्विचों में फेस दिया है, तो स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से हम फेस काटेंगे और वो दे देंगे हम सॉकेट को, क्योंकि हमें इस स्विच से सॉकेट को ऑन ऑफ करना। दोस्तों इस वाले स्विच से ऊपर वाले पॉइंट से हम देखिए हमें फेस काट रहे हैं। हम जब भी आपको वायरिंग करने का तरीका बताते हैं, बहुत आसान तरीके से बताते हैं। देखिए स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से फेस काट लिया है और हम दे देंगे इस वाले सॉकेट को। हमेशा वायरिंग करते समय इस बात का ध्यान रखें, अगर आप फेस को सीधे हाथ पर रख रहे हैं तो सीधे हाथ पर रखें और उल्टे हाथ पर रख रहे हैं तो उल्टे हाथ पर रखें। चाहे बोर्ड में कितने भी सॉकेट हों, एक साइड पे फेस रहना चाहिए, चाहे सीधे पे चाहे उल्टे पे, ठीक है दोस्तों। ये इसमें देखिए हमने दोनों सॉकेट में कनेक्शन कर दिया है। अब हमें दोस्तों ये करना है कि हम डायरेक्ट फेस उठाएंगे और हम दे देंगे ऊपर वाले स्विच पे। तो देखिए जहाँ पर हमारा डायरेक्ट फेस आया हुआ था, अब वहीं से हम फेस उठा के डायरेक्ट दे देते हैं ऊपर वाले स्विच पे। जो स्विच है हमारा, हम उस पर फेस दे देंगे। देखिए दोस्तों हमने डायरेक्ट फेस दे दिया है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए फेस दे दिया डायरेक्ट, ठीक। अब हमें कनेक्शन करने हैं इस वाले स्विच से, इस वाले होल्डर के। देखिए होल्डर में हमने पहले से ही न्यूट्रल फेस दे रखा है,
तो होल्डर को जो हम फेस देंगे तो स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से फेस काट के दे देंगे होल्डर को। दोस्तों अब हम देखिए इस वाले स्विच से इस वाले होल्डर का कनेक्शन करेंगे तो स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से फेस काट कर हम दे देंगे होल्डर को। ठीक है दोस्तों, हमने होल्डर को फेस देना था तो स्विच के ऊपर वाला पॉइंट से फेस काट के होल्डर दे दिया। अब दोस्तों देखिए फेस कंप्लीट हो चुका है बोर्ड में, पूरा कंप्लीट हो गया फेस। अब हमें बोर्ड में देना है न्यूट्रल। ठीक दोस्तों, अब हम बोर्ड में न्यूट्रल देंगे। न्यूट्रल के लिए देखिए ब्लू कलर का वायर ले लिया है हमने। अब हम न्यूट्रल देंगे बोर्ड में। हमेशा इस बात का ध्यान रखें दोस्तों कि जब भी आप वायरिंग करें तो दो कलर के वायरों का इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। कभी भी बोर्ड को रिपेयर करने में, वायरिंग करने में या स्विच सॉकेट चेंज करने में आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। ये देखिए हमें न्यूट्रल देना था, न्यूट्रल हमने दे दिया दोस्तों सॉकेट पे। ठीक है, देखिए ब्लू कलर के लिए हमने न्यूट्रल लिया है, न्यूट्रल हमने सॉकेट पर दे दिया है। ठीक, अब यहीं से उठा के दे देंगे हम दूसरे सॉकेट को, क्योंकि सॉकेट में न्यूट्रल और फेस दोनों चाहिए होता है, तो यहीं से न्यूट्रल उठा के दे देंगे हम सॉकेट को। दोस्तों इसी तरह से आप हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, हम आपके लिए इसी तरह से वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, न्यूट्रल दे दिया। अभी देखिए होल्डर है, होल्डर को भी हमें न्यूट्रल देना है, तो हम देखिए न्यूट्रल देना है। होल्डर पहले से हमें चार तार जोड़ रखा है तो होल्डर को जो हमें न्यूट्रल देना है तो हम न्यूट्रल देंगे उसे, थोड़ा तार बड़ा कर लेते हैं इसे। ठीक है, तो थोड़ा तार, अब देखिए होल्डर को हम न्यूट्रल जो देना है तो न्यूट्रल जो हमारे यहाँ पर आया हुआ है ब्लू कलर का सॉकेट में, जहाँ पर भी न्यूट्रल अगर आया हो आपका तो वहाँ पर आप न्यूट्रल दे दें। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये देखिए न्यूट्रल आप दे दें इसे, इसमें ज्वाइन कर लेंगे। और न्यूट्रल न्यूट्रल हमेशा कॉमन रहता है, तो ये देखिए हम यहाँ से इसे न्यूट्रल दे दें। ठीक, देखिए न्यूट्रल हमने आया है होल्डर के लिए, हमने सॉकेट में कस दिया। ठीक है दोस्तों, ये देखिए वायरिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। देखिए वायरिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, सबसे पहले फेस दिया तीनों स्विचों में। ठीक, रेड कलर का हमने फेस दे दिया तीनों स्विचों में। ठीक है दोस्तों, पूरी वायरिंग दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है। देखिए सबसे पहले फिर यहीं से डायग्राम फेस स्विच को दे दिया, इस वाले स्विच से इस वाले सॉकेट को, इस वाले स्विच से इस वाले सॉकेट को। ठीक है, और इस वाले स्विच से हमने ये कर दिया होल्डर को फेस दे दिया, क्योंकि इस वाले स्विच से ऑन ऑफ करना था। न्यूट्रल दे दिया सॉकेट में और यहीं से दूसरे सॉकेट को, और यहीं से उठाकर दे दिया हमने होल्डर को। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों हम इसे अब चेक करके बता दें आपको। चेक करते समय इस बात का ध्यान रखें दोस्तों कि बहुत ही सावधानी से चेक करेंगे, बोर्ड है, लाइट है, करंट का ध्यान रखें और सावधानी से चेक करें। ठीक है, और किसी भी तरह की अगर वीडियो चाहते हैं आप तो कमेंट्स करें आप, हम वो वीडियो आपके लिए ज़रूर से ज़रूर बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए हम इसे चेक करते हैं। ठीक, ये देखिए इस वाले स्विच से ही हमने करंट दे दिया, इस वाले स्विच से ये हमने होल्डर करा था, ये काम कर रहा है, ऑन ऑफ कर रहा है। ठीक है देखिए, ठीक इस स्विच बंद कर देते हैं। ठीक, ये काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे ये दिखाते हैं, ये देखिए इस वाले स्विच से ये होल्डर ये काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इस वाले स्विच से ये सॉकेट काम कर रहा है, ये हमारा स्विच खाली है तो इसके कनेक्शन जो हमने ऊपर होल्डर के कनेक्शन करे हैं वो सेम इसी तरह से होंगे। ठीक है दोस्तों, वायरिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। ठीक, उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर की बौछार लगा दीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और जिसने भी दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने की दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।